ओम शांति। अभी हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में डॉक्टर सचिन भाई, जो यहाँ की ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। आपने एमडी किया है और 12 साल से
आप ज्ञान में चल रहे हैं और पिछले 6 साल से आप ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका ज्ञान का चिंतन इतना अच्छा है जो आपकी वाणी से ही हमको पता चलेगा। मेरे पर तो व्हाट्सएप में काफी आपके क्लास आते रहते हैं और मैं सुनता रहता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के पास भी आते होंगे, तो आज मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं आपको सुनूं और इस भट्टी में आपका क्लास रखा जाए, और वो इच्छा भी पूरी हो गई और आप हमारे मध्य में हैं। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। इस क्लास की शुरुआत 2 घटनाओं से करेंगे और उसके बाद आप सबके लिए एक प्रश्न है। '1789 फ्रांस क्रांति हुई थी। फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में। उसके पहले वहां पर जो एक बहुत बड़ा जेल है, बेस्टाइल जिसको कहते हैं, बेस्टाइल का वो कारागार, कारागृह, वहां पर लगभग 5,000 लोग कैद किए हुए थे। वो एक ऐसा बंदीगृह था जहां पर जो लोग बंदी थे उनके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में चेन थी और उनको हमेशा के लिए वहां डाला गया था। और जो हथकड़ियां थी और जो ताले थे लगे हुए, उनकी जो चाबियां थी, उस कारावास के बाहर जो एक कुआं था वहां डाल दी गई थी। कोई अपनी उम्र की 20 साल में वहां गया, कोई 30 साल में, और जीवन पर्यंत सभी को वो सजा थी। 1789 में क्रांति हुई, क्रांतिकारी आए और सबसे पहला कार्य क्रांतिकारियों ने जो किया वो था उस जेल को तोड़ना और वहां के जो फ्रांस के नागरिक हैं उनको मुक्त करना। क्रांतिकारियों ने बहुत जोश से सारे कार्य संपन्न किए और जब अंदर पहुंचे तो देखा वहां पर अंधेरी कोठरी में, अंधेरों में जीते हुए लोग, सालों से, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50, कोई 60 साल से उस कारागार में है। और क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब तुम्हें सबको मुक्त होना है, अब आजादी हमारी है। और सबको कहा कि चलो, क्योंकि चाबियां थी नहीं तो सबकी बेड़ियों को तोड़ा, जो जो ताले थे वो ताले सारे तोड़े और क्रांतिकारी कहने लगे कि चलो अब स्वतंत्रता आ चुकी है। परंतु वो सभी जो बंदी बंधक थे वो कहने लगे अब हमें यही अच्छा लगता है, हम आना नहीं चाहते। क्रांतिकारियों ने फिर उन्हें समझाया, फिर उन्होंने वही बात की। उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं हमारे परिवार वाले, पत्नी, पति, बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ गया होगा हमारा वो परिवार, हमें तो कुछ पता नहीं, हम जाके भी क्या करें। फिर भी क्रांतिकारियों ने उन्हें छुड़ाया, सबको छुड़ाया। परंतु आश्चर्य की घटना तब घटी जब मध्य रात्रि को वो सारे ही कैदी वापस भाग भाग कर अपनी उन्हीं काल कोठरी में जाकर रहने लगे। पहली घटना तो ये, ऐसा क्यों हुआ। दूसरी एक घटना, कोई एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, अपनी यात्रा में एक बार
किसी सराय में रुका जो कि पहाड़ों के बीच थी। और जब वो अंदर गया अपने कमरे में तो देखा वहां पर एक पंछी है और वहां पर एक पिंजड़ा है जो कि पिंजरा सोने का है और वो पंछी जोर जोर से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आजादी आजादी आजादी। उसको बड़ी दया आती है क्योंकि वो है तो स्वतंत्रता सेनानी, किसी को बंधन में देख नहीं सकता। तो उसने सोचा कि मैंने कितने ही तोते देखे परंतु ऐसा तोता नहीं देखा जिसमें इतनी प्यास है स्वतंत्रता की, इसे मैं मुक्त करके ही रहूंगा। आधी रात जबकि उस सराय का मालिक सो जाता है, वो उस पिंजरे के पास जाता है और पिंजरा खोलता है और उस पंछी से कहता है कि उड़ जा, मालिक सो रहा है, उड़ जा। परंतु वो पंछी और ही जोर से उस पिंजरे को पकड़े रहता है। वो उसे बहुत समझाता है कि छूट जा, दरवाजा खुला है, परंतु वो और जोर से उसे पकड़ के रखता है। अब वो अपना हाथ अंदर डालता है, पंछी तोता उसको अपनी चोंच से मारता है, उसका हाथ लहूलुहान होता है, परंतु उसने भी ठाना होता है कि मुक्त करके ही रहूंगा और उसको वो मुक्त कर देता है, आकाश में छोड़ देता है और बड़ी ही चैन की नींद सोता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वही आवाज, आजादी आजादी आजादी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसे लगता है शायद ये तोता किसी दरख्त की डाली पर बैठकर बोल रहा है। उसे लगता है कि ये तोता किसी पर्वत पर विमुक्त विचरण कर रहा है और वहां से बोल रहा है, परंतु आंख खोलते ही देखता है तोता पिंजरे में है और दरवाजा खुला है। सभी से प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? माइंडसेट, मानसिकता, कौन सी मानसिकता? उसको आदत पड़ गई है। कौन सी आदत पड़ गई है उसको? पिंजड़े में रहने की आदत पड़ गई है। और कौन सी आदत पड़ी है? जो कार्य रोज रोज करते हैं वो संस्कार बन जाता है। रोज रोज पिंजड़े में रहने की आदत है तो वो संस्कार बन गया, इसके लिए अब निकलने की चाह नहीं रही। और सोच में संकुचितता और क्या हुआ उन कैदियों को? क्यों जाना नहीं चाहते बाहर? क्यों रहना चाहते उन काल कोठरियों में? क्यों उन कैदियों ने कहा कि अभी बिना वो सलाखों के, बिना वो बेड़ियों के हमें नींद भी नहीं आती, जब तक वो बेड़ियां नहीं है तब तक हम सो नहीं सकते, हमें उसी अंधेरे की आदत पड़ गई है, सूर्य का यह दैदीप्यमान प्रकाश हम देख नहीं सकते। क्यों? और कोई कारण? पिंजड़े में सुरक्षा है, पिंजड़े में सुविधा है, बाहर आकाश खतरा है, रिस्क है, डेंजर है, असुविधा है, असुरक्षा है, अंदर समय समय पर भोजन मिलता है, ऊपर उड़ते हुए पता नहीं न मालूम भूखो रहना पड़े, कोई गारंटी नहीं। यहां छत है, छत्र छाया है, बाहर छत्र छाया नहीं है। जन्म जन्म आत्मा देह में बंधी है, जन्म जन्म चेतना बंधक है, जन्म जन्म आत्मा ने इसी देह में रहकर अपने को सुरक्षित किया है। और जब समय आया है उड़ने का, इच्छा नहीं है उसकी, दरवाजा खुला है, चाह भी है, तोता चिल्ला रहा है दिन रात,
आजादी आजादी आजादी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, परंतु जब द्वार खुला है तो छूटना नहीं चाहता। एक है सोने का पिंजड़ा और दूसरा जो है वो लोहे का। लोहे का पिंजड़ा छोड़ना आसान है, इस ब्राह्मण जीवन में लोहे का पिंजड़ा कौन सा है जो कि सभी ने छोड़ दिया। लोगों ने कहा यहां नहीं जाना, हम आ गए, बाहर का खाना छोड़ दिया, परवाह नहीं की। परंतु ये भी आसान है, वस्त्र बदल गए, बैच लग गया, परंतु वो भी आसान है। लोक लाज की परवाह नहीं की, विद्रोह किया एक रीति से, समाज की परंपराएं और समाज की रूढ़िवादिता से, नहीं माना। लोगों ने समझाया, विरोध किया, पर माना किसी ने? छोड़ दिया। लोहे के पिंजड़े को तो तोड़ा और बहुत संघर्ष करके तोड़ा। किस किस ने तो ऐसी ऐसी कहानी है माताओं की, संसार का सारा विरोध, एक तरफ एक आत्मा और सब तरफ अनसंसार, छोड़कर आ गई सारे संसार के बंधनों को। मधुबन में कितने ही मधुबन निवासी है, एक एक मधुबन निवासी एक एक रत्न है, एक एक मधुबन निवासी एक एक संघर्ष कर कर यहां आए। ऐसी बहुत ही थोड़ी आत्माएं हैं जो बिना संघर्ष के आई है, परंतु फिर भी वो सब क्या था? वो सब लोहे के पिंजरे थे। उनको छोड़ना फिर भी सहज है, वो तो जितना विरोध उधर से होगा उतना ही वैराग बढ़ेगा, और ही तीव्रता, और ही जुनून, और ही वो मादकता, और ही नशा। परंतु ब्राह्मण बनने के बाद फिर एक दूसरा कारागार, एक दूसरा बंदी गृह, एक दूसरा जिंदान खड़ा होता है जिसमें आत्मा फंसती है। और ये जो पिंजड़ा है सोने का है, ये जो बेड़िया है वो सोने की है, जिनको आभूषण की तरह सजाया है, और कोई कोई ने तो रत्न जड़े, हीरे जड़े हैं। लोहे की जो की जंजीर है उसको तलवार से काटा जा सकता है, बेहिचक तीव्रता से दृढ़ता से, परंतु इनको जो सजाए रखा है, ये सारे ही बेड़िया कैसी बनी है? सोने की है। ये हमारा श्रृंगार बनाया है हमने इसको, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? आज जिस विषय पर हम बोलने जा रहे हैं वो कौन सा है? एक सोने का पिंजरा। इस ब्राह्मण जीवन में वो कौन से बंधन है? सोने का जो पिंजड़ा है, लोहे का है वो दिखाई देता है, दृष्टिगोचर है, परंतु सोने का है वो अदृश्य है, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। दूसरों को तो बिल्कुल नहीं नहीं देता, हमें भी दिखाई नहीं देता, परंतु हम बंधन में है। और न मालूम कैसा प्यार है इससे, इस अंधकार से, कि यही रहने की इच्छा है। क्रांतिकारी आए हैं, चिल्ला रहे हैं हम छुड़ाने आए हैं, पर हम छूटना नहीं चाहते। उसी अंधेरे की आदत है, द सेम डार्कनेस, वही रात की तारीकी। ऐसा अद्भुत प्यार हो गया है इससे, तो कैसे छूटे इन बंधनों से? उसके पहले यह चिंतन करना आवश्यक है, ऐसे वो कौन कौन से बंधन हैं। तो आज के इस सत्र में हम ऐसे 7 बंधनों को देखेंगे, ऐसा पिंजड़ा जिसकी ये 7 डंडियां है, बार रॉड, जिसके अंदर आत्मा बंधक है, आत्मा पंछी,
आत्मा नभचर बॉन्डेज स्लेवरी दासता में है, वो कौन कौन से बंधन है, ऐसे वो सात बंधनों की चर्चा आज हम इस सभा में करेंगे। भागवत में एक कहानी है, बाबा मुरलियों में भी उसकी चर्चा करते हैं। ये दुनिया धुंधुकारी है, मुरलियों में आया है, ध्यान से जिन्होंने मुरली सुनी है उनको पता होगा ये दुनिया कैसी है, धुंधुकारी दुनिया है। भागवत में चर्चा है धुंधुली और उसका पति आत्मदेव, कोई बेटा नहीं रहता है, ब्राह्मण के पास जाते हैं, फल आता है, वो स्त्री बहुत ही दुष्ट है, किसी और स्त्री को उस गाय को वो फल खिला देती है, उस गाय से जो पुत्र होता है बड़ा ही चरित्रवान गोकर्ण, और उसकी जो पड़ोसी होती है उसमें जो पुत्र होता है जो वो खुद ले लेती है उसका नाम होता है धुंधुकारी। धुंधुकारी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, पिता तो चले जाते हैं, माँ को भी मार देता है, वेश्यागामी हो जाता है, दुष्चरित्र बन जाता है, और गोकर्ण होता है वो तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। जब धुंधुकारी मरता है प्रेत योनि में जन्म लेता है, और जब गोकर्ण वापस आता है तो अपने भाई गोकर्ण को यह धुंधुकारी अपनी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने पाप किया है, अब क्या करूं। दिखाया है भागवत में कि भागवत कथा का आयोजन होता है, 7 दिन तक भागवत कथा चलती है, गोकर्ण करता है, और एक डंडा होता है उसमें 7 गांठें होती है, 7 दिन सप्ताह का भागवत चलता है, और 7 दिन में एक एक दिन एक एक गांठ खुलती जाती है, जब सारी ही गांठ खुल जाती है तो धुंधुकारी मुक्ति को प्राप्त होता है। जैसे ही इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ही सोचो कि एक एक गांठ क्या हो रही है, टूट रही है, खुल रही है, छूट रही है, और हम भी इस क्लास के पूर्ण होने तक क्या हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे, उड़ता पंछी बन जाएंगे। ये टॉपिक इसलिए हमने सोचा, संडे की जो मुरली है जो हम कल ही थोड़ा देख रहे थे ऊपर से, गुजरात की पार्टियों से मुलाकात, बाबा कह रहे हैं तुम्हें उड़ता पंछी बनना है, सोने के पिंजरे में भी फंसना नहीं है, आने वाले संडे की मुरली फरिश्ता बनना है, उड़ना है, नीचे आओगे तो शिकारी शिकार करेगा, ऊपर उड़ो। तो सबसे पहला बंधन इस सोने के पिंजरे का सबसे पहला डंडा बार रॉड जो कि संडे की ही मुरली से है, संबंध, वो भी कौन सा संबंध, अलौकिक संबंध, सबसे पहला बंधन ये सोने का है। इसे एक रीति देखा जाए तो स्वीकृति प्राप्त है, इसके लिए इसे ये वो बातों की हम चर्चा करेंगे। ये सोने के बंधन नहीं है, सोने का पिंजरा नहीं है जो दिखाई देता है, ये वो है जिसे हमने अपना मान लिया है और यह समझा है कि यज्ञ में ये स्वीकार्य है, ये चलता है, ये सभी करते हैं, ये चारों ओर दिखाई दे रहा है। आज हम उस बंधन पर आक्रमण करेंगे। सबसे पहला अलौकिक संबंध, अव्यक्त महावाक्य, संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, गुजरात जोन, यह अलौकिक संबंध भी सोने का पिंजड़ा है, फुल स्टॉप, इसमें भी फंसना नहीं। अलौकिक संबंध में फंसना अर्थात क्या, क्या कहेंगे, संसार का संबंध नहीं, संसार के संबंध तो छोड़ दिए, विकारों के संबंध तो छोड़ दिए, वो संबंधों से तो ऊपर उठ चुके हैं, अलौकिक संबंध में फंसना नहीं, इसी में आत्मा फंस जाती है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी।
ये जो संबंध है, बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है, शिववंशी हो तुम, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, इस संबंध में अलौकिकता रहे। दो दिन पहले ट्यूसडे का वरदान, जब अलौकिकता की कमी होती है तब क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। किस में? इस लोक के व्यक्ति में और इस लोक की वस्तु में। कब होता है यह आकर्षण उत्पन्न? जब अलौकिकता में कमी होगी तब। अलौकिक संबंध का बंधन, ये जो अलौकिक संबंध है ये अलौकिक ही रहे, इसमें लौकिकता ना आए। किसी को विशेष भाई ना बना देना और किसी को विशेष बहन ना बना देना, बहन और भाई ही रखना। किसी को मां ना बना देना और किसी को पिता ना बना देना, खतरा है। किसी से विशेष प्रीत उत्पन्न हो जाना, फैमिलियरिटी को बढ़ा देना, घनिष्ठता उत्पन्न हो जाना, ये बंधन है, इसमें जबरदस्त खतरा है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इन द लॉन्ग रन, इफ नॉट गार्डेड, टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप। विदेश के किसी रोमन कैथोलिक सेंट ने लिखा है, अलौकिक संबंधों में जो मित्रता है, यदि इसमें सतर्कता न बरती जाए तो वह कामुक संबंधों में परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा जन्म जन्म से भोग रही है इस देह को, चाहे वो स्त्री देह में हो या पुरुष देह में हो। वासनाओं को ये पता नहीं है, वासनाएं उम्र को नहीं देखती, वासनाएं शरीर के रंग को नहीं देखती, कौन क्या है उसको नहीं देखती, कभी भी धोखा हो सकता है। इसके लिए इस संबंध में डिटैचमेंट हो। जिस संबंध में डिटैचमेंट नहीं, वो संबंध कब विकारी बन जाए ये पता भी ना चलेगा। विकारों की आंधी जब चलती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। कोई कितने भी साल से ज्ञान में रहने दो, वो ये सब नहीं देखती। कोई कितना ही बड़ा हो, कितनी ही सीनियर हो और कितनी ही सेवा की हो इस यज्ञ में, अपना तन मन धन सब कुछ दिया हो, फिर भी जहां विकार चित्त को आंदोलित करते हैं वहां सब कुछ बह जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही अद्भुत किताब लिखी है बंगाली में, शोशीर कविता, द लास्ट पोएम, ये कविता नहीं है, उस ग्रंथ का नाम है। उसमें दिखाया है एक स्त्री है, एक युवती है जो बहुत ही संपन्न है, बहुत ही धनाढ्य है, और उससे प्रेम करता है एक युवक। वो युवक उससे बहुत सच्चा प्यार करता है और उससे विवाह करना चाहता है, और वो युवती भी उससे बहुत प्यार करती है, विवाह करना चाहती है, परंतु शी इज टू मच कल्चर्ड, बहुत ही सुसंस्कृत और शालीन कुल से है। वो भी शादी करना चाहती है, परंतु वो एक शर्त रखती है कि शादी के बाद मेरा महल इधर होगा और तुम्हारा महल उधर, बीच में एक झील होगी, तुम और हम कभी साथ नहीं रहेंगे। वो कहता है ऐसी कैसी शादी है ये जिसमें साथ ही नहीं रहना है हमको। वो कहती है क्योंकि यदि तुम साथ रहने लगे तो हो सकता है अभी जो हमारा प्यार है, अभी जो हमारा संबंध है, वो उस फैमिलिटी की वजह से साधारण हो जाए, उसमें जो फ्रेशनेस है वो समाप्त हो जाए, इसलिए हम साथ नहीं रहेंगे, तुम उधर रहोगे हम इधर रहेंगे, हम कभी मिलेंगे तो बिना आमंत्रण के, सुबह तुम वहां से टहल रहे होंगे हम यहां से टहल रहे होंगे, मिल लिए तो मिल लिए, तुम यहां से नौका विहार कर रहे हो हम वहां से नौका विहार कर रहे हैं, मिल लिए तो मिल लिए, और हां तुम्हें यदि ये पसंद नहीं, तुम्हें यदि ये मंजूर नहीं, तो तुम स्वतंत्र हो किसी और से विवाह करने के लिए, परंतु मैं तुम्हें छोड़कर और किसी से विवाह नहीं करूंगी, केवल मुझे तुमसे ही प्यार है। अगर तुम चले गए तो तुम्हारी ही यादों में पूरा जीवन बिता दूंगी,
ऐसी वो शर्त रखती है, संबंधों में ऐसी डिटैचमेंट, जिनके बीच हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, मां बाप बहन भाई, जिस सेवा केंद्र में रहते हैं, छोटी बहन बड़ी बहन या फिर जो इंचार्ज है वो, इन सब के बीच में वो झील हो, हम इस ओर वो उस ओर, मिल लिए तो मिल लिए, फोन करने की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए कैसे हो, मिले तो मिल लिए। जिस रिलेशन में ऐसी डिटैचमेंट होगी वो स्वर्णिम संबंध है, वह उस संबंध में ही वह अलौकिकता फलीभूत होगी, उस संबंध में ही वह लौकिकता नहीं आएगी। जिस संबंध में लौकिकता आ गई, जो संबंध नीचे चला गया, जिस संबंध में अब बहन ना कहकर कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है, निकनेम, जिस संबंध में अब वो बहन और भाई का संबंध ना रहकर प्रेमी और प्रेमिका का संबंध हो जाए, वहां विकार की प्रवेशता होगी। कब होगी उसकी तिथि तारीख नहीं है, गुप्त है, इतना गुप्त है कि जब गिर जाओगे तब पता चलेगा, गिर चुके हैं। तो हम इस ओर और वो उस ओर, पत्नी इस ओर और पति उस ओर, परंतु सब कुछ कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, उससे प्रेम भी कर रही है, परंतु बीच में झील। तो झील को मत भूलना आज मधुबन से, ऐसी डिटैचमेंट जहां है वही संबंध लंबे समय तक चलेगा, वरना जबरदस्त खतरा है उसमें। अपने संबंधों को फ्लेक्सिबल और डिटैच्ड बनाने के लिए अलौकिकता, ईश्वरीय संबंध हो, विकार का संबंध नहीं हो, देह और देह की प्रशंसा ब्रह्मचर्य का खंडन है। जहां ब्रह्मचर्य का खंडन होगा वहां पवित्रता आ नहीं सकती। आज की मुरली में सारा मदार पवित्रता पर है। जिस यज्ञ में पवित्रता ही सब कुछ है, जिस यज्ञ में सारी दादियों ने इतना कुछ सहन किया, जिस यज्ञ में कितनी माताओं ने कितनी यातनाएं सहन की, वहीं पर यदि हम गिर जाए, वहीं पर यदि स्वप्न और संकल्प में पवित्रता खंडित हो रही है, वहीं पर यदि कामुक वासनाएं और कामुक भावनाएं और सेक्सुअल फैंटसीज, कामुक कल्पनाएं उत्पन्न हो रही है, तो वह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। जहां देह को देखने की इच्छा उत्पन्न हो रही है वह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। अभी देखा नहीं है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, किसी कोई और हमारी देह को देखे, यह इच्छा उत्पन्न हो रही है, यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। कोई और हमारी सौंदर्य का की प्रशंसा करे, यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। जहां ब्रह्मचर्य का खंडन होगा पवित्रता का भवन वहां निर्माण नहीं हो सकता। जहां पवित्रता का भवन नहीं निर्माण हो सकता वहां सब कुछ व्यर्थ है। तो सबसे पहला जो सोने का पिंजरा है वो है अलौकिक संबंध। बहन को बहन ही रखना, भाई को भाई ही रखना, और कुछ नहीं बनाना। प्रयत्न भी मत करना कुछ और बनाने का, गिरोगे, फंसोगे, डूबोगे। जो मार्ग चालू होता है वो अज्ञात की ओर चालू होता है, फिर वो अज्ञात कहां ले जाएगा, किस मंजिल पर गिराएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसके लिए स्वयं को डिटैच रखना। तो सबसे पहला पिंजरा की पहली डंडी कौन सी है? अलौकिक संबंध। हम इधर वो उधर, बीच में झील। मिलना हो मॉर्निंग वॉक में, मिल लेना। बोट राइडिंग में, नौका विहार में, मिल लेना। पर मिलने के बाद
फिर संकल्प मत करना, फिर से मिलना है, फिर से फोन लगाना है, फिर से कुछ संबंध बनाना है, फिर से संबंध बढ़ाना है। उसने फोन किया, हम फोन करें, उसने कुछ भेजा, हम कुछ भेजे, उसने सौगात दी, हम कुछ सौगात दे, उसने मैसेज किया, हम कुछ मैसेज करें। मैसेज मैसेज और मैसेज लीड्स टू मैस। दूसरा बंधन साधन, दूसरा बंधन साधन। कौन से साधन? सबसे पहला टीवी, दूसरा मोबाइल और तीसरा अंतरजाल, महाजाल, इंटरनेट, इंटर अंतर नेट जाल। सेवा के नाम पर उसके अधीन हो जाना। आज की मुरली के वरदान में है अधीनता समाप्त। यह किसकी निशानी है? संपूर्णता की। कोई भी अधीनता ना हो तब विजयी बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे, तब अधिकारी बनेंगे, तब तुम्हारे चेहरे से, तब तुम्हारे स्थिति से, तब तुम्हारी और किससे? संस्कारों से क्या दिखाई देगा? कर्मों से क्या दिखाई देगी? संपूर्णता, रुहाब, रूहानियत और रहमदिल। तो किसी भी साधन पर हमारी साधना आधारित ना हो। अविनाशी साधना, 1970 की मुरली है, 31 दिसंबर। अविनाशी साधना का आधार विनाशी साधन हो नहीं सकता। इसके लिए जो भी साधन है उन पर हमारी साधना निर्भर ना हो। जो भी साधन हो, कैसे भी साधन हो, कितने ही सुहावने लुहा मन को आकर्षित करने वाले हो, परंतु हमारी साधना का आधार यह नहीं हो। सबसे पहला बताया टीवी। जब माया ने देखा कि ये ब्राह्मण सिनेमा में नहीं जाते तो उसने एक चाल खेली। कौन सी? सबके घर में टीवी लाके रखा। जब उसने बाद में देखा कि ये लोग टीवी भी नहीं देखते तो उसने क्या किया? फिर सबके जेब में क्या लाके रख दिया? मोबाइल लाके रख दिया। जब उसने देखा ये केवल मोबाइल में केवल बात करते और मैसेज करते और कुछ नहीं करते तो उसने क्या कर दिया? फिर उसने इंटरनेट फिट किया ताकि सारी ही माया जेब में। साधन, हमारी साधना साधनों के आधार पर ना हो। ऐसे कोई बंधन हम निर्माण न करें किसी और आत्मा के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा, चाहे मैसेज के द्वारा, चाहे कॉल के द्वारा। सारी दुनिया एक हो गई है, उसके फायदे बहुत हैं, परंतु फायदे से ज्यादा विकारों की प्रवेशता वहां से हो सकती है। विकार ब्राह्मणों के सामने अपने मस्तक पर कोई लेबल लगाकर नहीं आता है, मैं माया हूं। वो सूक्ष्म रीति से आता है, रुस्तम के साथ रुस्तम, महारथी के साथ महारथी, योगी के साथ योगी बनकर माया आती है। बलवान के साथ माया बलवान है, दबंग के साथ माया दबंग है। ऐसे अलौकिक रूप में आती है कि पता ही नहीं चलता कि यही माया है, और ऐसी आत्माओं से आती है जो कि महायोगी और महातपस्वी है। योगियों के सामने माया संसार की आत्माओं से नहीं आती है। संसार की आत्माएं यदि कुछ कहे तो ध्यान भी नहीं देंगे हम तो, परंतु जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, जो योगी है, जो तपस्वी है, ऐसों से अगर आ जाए तो वहां फिर मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वहां फिर तो देखते हैं बाबा भी मौन है, तब क्या करें। तो साधन बहुत अच्छे हैं, परंतु ये साधन हमारा बंधन ना बन जाए। यदि बना है तो तोड़ दो उन बंधनों को। जब तक उन्हें नहीं तोड़ो, कम से कम कुछ समय के लिए तोड़ दो। यदि पता चल रहा है ये बंधन प्रतीत हो रहा है और हमारी साधना में बाधक है, तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक इसे नहीं तोड़ेंगे
आगे नहीं बढ़ सकते। ये पथ अकेले चलने का है, किसी को लेकर चलने का नहीं है, किसी व्यक्ति को, किसी साधन को। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले अकेले की तरफ जाना है, किसी को बंधन में, किसी के साथ मिलकर अगर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो उसी के मन की भ्रांति है, उसमें फंसेगी आत्मा। इसके लिए जितना हो सके सेवा की और रिटैच्ड, उसमें नए संबंध नहीं बनाना है। बाबा कह रहे हैं देह सहित देह के संबंधों को भूलो, पहले ही इतने संबंध बन चुके, अभी नए संबंध, फ्रेश रिलेशंस, फ्रेश बॉन्डेजेस कब बनाओ और कब उनको निभाओ और कब उसमें फंसो, ये सब का समय अब नहीं है। समय अब निकल जाना है ऊपर, समय बैराग का है, किसी में फंसने का नहीं है। ज्ञान योग के नाम पर फंस जाना यह नीरा मूर्खता है। अगर कोई फंसा है इस मधुबन की भट्टी से संकल्प करे कि इस बंधन को यहीं तोड़कर जाना है। पहला अलौकिक संबंध, दूसरा साधन, तीसरा सूक्ष्म इच्छाएं, अति सूक्ष्म इच्छाएं, वस्तुओं की इच्छाएं, पद की इच्छाएं, नाम की इच्छाएं, मान की इच्छा, नाम हो जाए, सब मुझे जान जाए, यह बहुत ही सूक्ष्म इच्छा है जो मनुष्य के हृदय में रहती है। डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, सब मेरी प्रशंसा करें, ये इच्छा इतनी सूक्ष्म इच्छा कि जो कर रहा है उसे भी अनभिज्ञ है, वो भी अपनी इस इच्छा से, उसे भी पता नहीं कि ऐसी इच्छा है मेरे अंदर। विदेश में एक विचारक हुआ है वॉल्टेयर, वो सोचता था उसकी जवानी में कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, और सब कुछ किया उसने, भरसक प्रयास किया प्रसिद्ध होने के। बेचैन रहता था, दुखी रहता था, पीड़ित रहता था, नींद नहीं आती, क्यों प्रसिद्ध नहीं हो रहा हूं, कैसे सब लोग प्रसिद्ध है, मैं क्यों नहीं प्रसिद्ध हो रहा हूं। एक ही इच्छा है और एक ही लगन है कि प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रख्यात हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। और एक दिन प्रसिद्ध हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वो अपनी अपने आत्मचरित्र में लिखता है, इतना प्रसिद्ध हो गया हूं कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कहां गए वो दिन जब एकांत में घूमा करता था, अकेला घूमा करता था, कैसे वो सुहावने और स्वर्णिम दिवस थे बचपन के, और ये कैसे बंधन है। उसके शहर में ऐसी मान्यता थी कि जो भी महान है अगर उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो अहो भाग्य, जैसे ही बाहर निकलता है लोग झपटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं उसके, घर पहुंचता है तो लहूलुहान, भगवान से प्रार्थना करता है मेक मी अनफेमस नाउ, लौटा लो, नहीं चाहिए ये प्रसिद्धि, जो भी करता हूं उसकी चर्चा होती है, पब्लिक फिगर, नहीं चाहिए ऐसी प्रसिद्धि। वही एकांत, वही बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध पायलट उड़ान भर रहा है अपने विमान में, अपने यान में, और अचानक अपने ही गांव के वहां से गुजरता है, अपने ही गांव के ऊपर से, और नीचे देखता है वह झील, ये दूसरी झील है, ये वो झील नहीं, देखता है वह झील और अपने ही बचपन के दिन याद आते हैं उसे, अपने बचपन के दिन की, अपने पिताजी के साथ उसी झील पर मैं बैठता था, खेलता था, मछली पकड़ता था, कहां गए वो दिन। और वहां बैठकर सोचता था कि ये कैसे दिन है, मुझे एक दिन पायलट बनना है, उड़ना है आकाश में। तब इतना खुश नहीं था, तब सोचता था कि मुझे आकाश में उड़ना है, पंछियों की तरह उड़ना है, विमुक्त गगन में पंछी की तरह उड़ना है। और अब जब उड़ रहा है तो सोचता है ये भी कोई जीवन है। अपने सेकंड इन कमांड से वो कहता है, व्हाट इज दिस लाइफ इफ यू लव केयर, कैसा जीवन है। सोचता है फिर से वही बच्चा बन जाऊं, फिर से जाऊं वहां पर, फिर से खेलूं, फिर से देखूं, फिर से जी लूं उस जीवन को। इच्छा
कभी भी पूर्ण नहीं होती, और जब पूर्ण हो जाती है तो पता चलता है जिसके लिए इच्छा की थी, जो चाहिए था वो व्यर्थ है। इच्छाओं का स्वभाव है कि मिलने के बाद ही वस्तु व्यर्थ हो जाती है, फिर दूसरी वस्तु अच्छी लगने लगती है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद जब दूसरे की गाड़ी देखी, अपने से बहुत अच्छी, तो ये फिर बैलगाड़ी थी मालूम होने लगती है। फिर अब वो चाहिए। इच्छाओं का स्वभाव है, इच्छा पूर्ण होते ही जिस जो चाहना थी वो वस्तु ही व्यर्थ हो जाती है। अभी और कुछ चाहिए, अभी और आगे का कुछ चाहिए। इच्छाएं दुष्पूर है, शब्द को याद रखना, दुष्पूर। दुष्पूर अर्थात कभी भी तृप्त ना होने वाली, कभी भी तृप्त नहीं होती है इच्छाएं। इसके लिए जो दिया है, जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, ये उसकी असीम अनुकंपा है। जहां हम हैं अहोभाव है। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक योग का प्रयोग करेंगे। देखो अपने आप को एक पिंजड़े में। इस पिंजड़े की 7 दंडियां हैं और हम इस पिंजड़े में बैठकर जैसे ही गीत बजेगा, स्थूल देह को यहीं छोड़कर आत्मा इस पिंजड़े के अंदर जा रही ऊपर सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने। बाबा की दृष्टि पड़ते ही एक एक करके पिंजड़े की एक एक दंडी गिरी और हम मुक्त हुए और फिर उड़ चले परमधाम।
चौथा स्वाद। चौथा स्वाद। स्वाद, जायका, टेस्ट, टंग, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जिन्होंने अपनी जिह्वा को नहीं जीता है वो राजयोगी नहीं बन सकते। जब तक रसेंद्रियों को जीता नहीं जाएगा तब तक जनेंद्रिय भी वश में नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य का मूल आधार भोजन से है। बाहर का भोजन छोड़ दिया, यह है लोहे की जंजीर। बाहर की विकारी आत्माओं का खाना छोड़ दिया, लोहे की जंजीर। उन आत्माओं का खाते हैं जो कि योग युक्त है या याद में बना हुआ स्वीकार करते हैं और याद में स्वीकार करते हैं, ये भी लोहे की ही जंजीर है। उनके हाथ का खाना जो कि योगी है, जो कि ब्राह्मण है, बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ और याद में स्वीकार कराया, सोने की जंजीर है। स्वाद के अधीन हो जाना। योगी का जो भोजन है वह उत्तेजक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। योगी का जो भोजन है वह उन सभी चीजों से मुक्त होना चाहिए जो कामोत्तेजक है। योगी का जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे उत्तेजना उत्पन्न ना हो। कंट्रोल ऑफ पैलेट एंड ब्रह्मचर्य, जिन्हें ब्रह्मचर्य में मुश्किल है, जरूर इस नियम का उल्लंघन हो रहा है, जरूर बुद्धि भोजन में फंसी हुई है, जरूर आज ये खाऊं कल वो खाऊं, आज यहां से खाऊं कल वो खाऊं, जिनकी बुद्धि भोजन से बाहर नहीं निकली है वो योगी कैसे बन सकते हैं, कैसे कर्मेंद्रिय जीत बनने का ऊंचा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सारा ही चित्त, सारे ही विचार भोजन भोजन और भोजन में लगे और भोजन को स्वादिष्ट कैसा बनाया जाए इसमें लगे हैं, तो कैसे कर्मेंद्रिय जीत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जगदीश भाई की किताबें जिन्होंने पढ़ी होगी उस पर बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं। योगी का भोजन अर्थात मसालों से रहित, मिर्च मसालों से रहित। महात्मा गांधी के आश्रम में उनका एक नियम था, वो नीम की चटनी देते थे सुबह और शाम। नीम पता है ना, कड़वा कड़वा नीम, जो भी आता था बहुत मुश्किल होती थी उसको, परंतु धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता था। लक्ष्य रखा था जबान को जीतने का, स्वाद को जीतने का, जब तक, क्योंकि जरूरी नहीं आज जो मिल रहा है वो कल भी मिलेगा। जो कहते हैं हम तो बाबा की याद में सब कुछ खा लेते हैं, पर जो मिल रहा है सब अच्छा ही तो मिल रहा है। जब सूखी रोटी मिलेगी और दाल मिलेगी जिसमें दाल का एक दाना ना हो, तब बाबा की याद में फिर खा के दिखाओ। उसका तो बहुत अभ्यास है, इसका कितना अभ्यास है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खा सकते, परंतु अभ्यास कितना है। यज्ञ का वो बेगरी पार्ट नहीं रहा, यज्ञ श्रीमंत है, अमीर है, धनाढ्य है। एक समय था जब दादियों ने सब कुछ किया, सहन किया, जब कुछ नहीं था यज्ञ में और साधनों का अभाव था, उन साधनों के अभाव में ही साधना फलीभूत हुई। साधनों के वश में होकर, साधनों के अधीन होकर, साधनों की उपस्थिति में जो साधना होती है वो इतनी तीव्र नहीं हो सकती है जो कि उनके अभाव में होती है। परंतु आज साधन है, परंतु फिर भी हमें अभ्यास करना है। आज जो है कल कुछ नहीं होगा, फिर भी हम वैसे ही अचल रहे। आज सब कुछ मिल रहा है, कल कुछ नहीं मिलेगा, केवल फल मिलेंगे। तो तब कह पाएंगे कि बाबा की याद में हम स्वीकार कर रहे हैं। बाबा ने कहा मैं दाल रोटी दूंगा, परंतु दाल रोटी से संतुष्ट होना चाहिए। फिर मत कहना कि टोली कहाँ है, हलवा कहाँ है,
ब्राह्मण दाल रोटी से संतुष्ट होते हैं? सोचो, यदि सुबह भी दाल रोटी, दोपहर में भी दाल रोटी और शाम को भी दाल रोटी, ऐसी कितनी आत्माएं हैं, वो हाथ ऊपर करो जो कहेंगे, सोच के, जल्दी जल्दी नहीं, दिल से, जिनके मन में एक भी संकल्प उत्पन्न ना हो, मधुबन से जो मिला बिना किसी को कुछ कहे, बिना पूछे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों है आज, चुपचाप खा ले, वो हाथ खड़ा करो। अपने आप से पूछना है, जो मिल रहा है संतुष्ट रहना उसमें। भोजन के विषय कंप्लेन करना, भोजन पर कमेंट्स करना, भोजन के विषय सोचना, इसमें कंकड़ कहां से आया, किसने डाला, ठीक से साफ नहीं किया है, कमेंट्स ऑन फूड कईयों को आदत है, कमेंट्स करना उसके ऊपर, ये क्यों, वो क्यों, ये तो सुबह का है, ये तो शाम का है, जो है बहुत है, जो मिला उसमें कृतज्ञता का भाव, सबको धन्यवाद दो, उस भूमि को भी धन्यवाद दो, उस प्रकृति मां को भी धन्यवाद दो, उस किसान को भी धन्यवाद दो, उन बनाने वालों को भी धन्यवाद दो, उन माताओं को धन्यवाद दो जो घर से आई है, अपने परिवार को छोड़कर, पता नहीं न मालूम कितना विरोध था घर में, फिर भी विरोध सहन करके, सबसे विरोध सहन करके यहां पहुंची, इतनी लगन है, वो रोटियां बना रही है, उसको धन्यवाद देकर, उनको धन्यवाद देकर जिन्होंने यज्ञ में भंडारी दी, उन सभी मधुबन निवासियों को धन्यवाद देकर, बाबा को धन्यवाद देकर, सबको धन्यवाद देकर भोजन को स्वीकार न करना, यह चोरी है, यह भी क्या है, बंधन। चौथा स्वाद, पांचवा बंधन, मैं का बंधन, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, ये जो मैं है एक बहुत ही सूक्ष्म बंधन है। तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम में इतना सामर्थ्य है कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम सब कुछ कर रहे हो, इस संगम युग पर जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है, ये उसकी दया कृपा अनुकंपा है हम पर कि हम आज यहां है, जिनको आना था भट्टी में, कई सारे है वो आ नहीं पाए, जो आए हैं हम क्या अपने पुरुषार्थ से आए हैं, अपने आप को पूछो। कोई एक महाराज अपने रथ पर कहीं जा रहा था, उसे एक गरीब किसान मिला जो कि नीचे बैठा हुआ था, वो कहता है तुम्हें कहां जाना, मेरे पास बैठ जाओ मेरे रथ में, वो कहता है नहीं महाराज मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे बैठूं, मैं तो गरीब किसान हूं, वो कहता है बैठ जाओ कोई बात नहीं, जगह खाली है, मैं अकेला जा रहा हूं। वो किसान बैठ जाता है और उसके पास एक थैली होती है, थैली अपने सिर पर रखता है, वो राजा है उसको कहता है अरे थैली सिर पे क्यों रखा हो, रखे हो नीचे रख दो, वो कहता है पहले ही तो आपकी इतनी कृपा है और आपको मैं कितना बोझ दूं, मेरा ही तो इतना भार है, ये मैं नहीं रख सकता। हमारी भी हालत उस किसान की तरह है, किनकी, जो कहते हैं बाबा ये सब आपका ही दिया हुआ, अरे दिया किसने ये कहने की भी क्या आवश्यकता है, हम वैसे ही उछल कूद कर रहे हैं जैसा वो किसान, चाहे सिर पे रखो चाहे नीचे, बोझ किसके ऊपर है, उस रथ पर ही तो बोझ है, हमारा कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ से हुआ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी उसकी दया है। इसके लिए यह अहंकार नहीं आने देना, दो संडे पहले की मुरली डबल चाबी, कोई कोई बच्चे ये सोच लेते हैं कि एक ही चाबी लगाते, उदाहरण दिया था बैंक के लॉकर का, एक चाबी इधर से लगेगी एक चाबी उधर से लगने जाएगी, जब दो चाबियां लगेगी तब चाबी खुलेगी, चाबी है बाबा, अखंड चाबी लगाना, खंडित चाबी नहीं लगाना, ये ब्रह्मा कौन है, इससे हमारा क्या संबंध, हमारा तो कनेक्शन निराकार से, अखंड चाबी लगाना, डबल चाबी लगाना, याद आ गई मुरली, खजानों की चाबी है बाबा, तो मैं करता हूं, मैंने किया, ये जो मैं है बहुत ही घातक है, बहुत घातक। कभी दादी प्रकाशमणि जिन्होंने देखा होगा कभी कहते सुना कि मैंने ये किया,
कभी नहीं, दादी को संकल्प आ रहा है, दादी ऐसा सोचती है, मैं नहीं दादी, थर्ड पर्सन में बात कर रहे, मैं बहुत बड़ा जंजाल है, परंतु हम भी सम्मोहित हो चुके हैं जो ये देहभान का मैं कार्य करता है। तो छठवा मैं, पांचवा उसके बाद में छठवा मेरा, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी वस्तु है, अहम भाव व्यक्तियों के प्रति और वस्तुओं के प्रति, ये मेरा है। सूफी गीत है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। सूफी, एक सूफी संत खुदा से कह रहा है कि राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, क्यों? क्योंकि मैं हूं कौन, मेरे पास तो ये इमारतें हैं, ये महल है, पर तेरे पास बिजलियां है, कब तेरी बिजली गिर जाएगी और कब मेरे इस सबको नष्ट कर देगी, क्या बता। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना, मेरा आशियाना कब नष्ट हो जाए क्या पता। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, होई सोई जो राम रचि राखा, धाय विल शैल बी डन। जीसस क्राइस्ट कहता है जैसे तेरी इच्छा। जब उसको सूली पर लटकाया जाता है तो उसके भी हृदय से आह निकलती है कि हे प्रभु क्या तूने मुझे छोड़ दिया। उसे अपनी ही गलती का आभास होता है, ये मैंने क्या कह दिया, और तुरंत कहता है धाय विल शैल बी डन, जैसी तेरी इच्छा प्रभु। सोचता है ये मैंने क्या कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था कि तूने मुझे छोड़ दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया है मैंने ये कहकर। उसने तो मुझे छोड़ा ही नहीं है, परंतु दिखाया है, उसके भी मुख से निकलता है, पर तुरंत अपनी गलती को सुधारता है, पर मनुष्य अपनी गलती को नहीं सुधार पाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है, ये जो मैं मेरा जो है इसको हटाना है, मेरा यहां कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा मेरे के सामने क्या लगा दो, तेरा कर दो, और सामने क्या लगा दो, बाबा लगा दो। जैसे दिखाया है एक व्यक्ति है जो इतने पुण्य कर्म करता है कि फरिश्ते आसमान से आते हैं और उसको कहते हैं कि हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। वो कहता है मुझे वरदान नहीं चाहिए, वो कहते हैं हम देंगे तुम्हें ऐसा वरदान देते कि तुम जिसको हाथ लगाओ उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कहता है ये फरिश्तों का काम है, मेरा नहीं। वो कहते हैं दूसरा वरदान हम तुमको देते, जो भी भटक गए हैं तुमको देखेंगे और उनको राह प्राप्त हो जाएगी। वो कहता है ये मेरा काम नहीं, भगवान का कार्य है। तो कहते हैं हम तुम्हें वरदान क्या दे, वो कहते हैं मुझे कुछ भी वरदान नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी ब्लेसिंग नहीं। वो कहते हैं हम दे के रहेंगे। मीटिंग करते हैं सारे फरिश्ते और उस व्यक्ति से कहते हैं हम तुझे दे के रहेंगे, और वो कहता है अगर देना ही है तो एक वरदान दो कि जो भी मैं पुण्य कर्म करूं मुझे पता नहीं होना चाहिए, मैं करूं परंतु मुझे नहीं पता होना चाहिए मैं किस किस का भला कर रहा हूं। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी जो परछाई है, जहां पर भी तुम जाओगे और परछाई जहां गिरेगी, अगर पतझड़ है तो हरियाली हो जाएगी, बीमार पर गिरेंगी तो वो बीमार ठीक हो जाएंगे, उदास पर गिरेंगी तो वो प्रफुल्लित हो जाएंगी। विदेश में उसे द होली शैडो कहा जाता है। आज भी विदेश में होली शैडो का गायन है, पर वो जो व्यक्ति कौन था ये आज तक पता नहीं, क्योंकि उसी ने ये शर्त रखी थी कि मैं जो करूं मेरा नाम ना हो, यज्ञ का नाम हो, सेवा के नाम पर ब्राह्मण मैं को तृप्त कर रहा है कहीं ना कहीं। सेवा की दौड़ कहीं अहंकार की दौड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। सेवा की दौड़ अहंकार की दौड़ ना हो जाए, जो कुछ हो रहा है वह करा रहा है, इसके लिए मैं कर रहा हूं, नाम ब्रह्मा कुमार इसका और महिमा खुद की, ये धोखाधड़ी है, स्वयं से छल है, डिसेप्शन है, हम्बग है। इस हिपोक्रेसी से, इस पखंड से स्वयं को मुक्त करना है कि सेवा जिसकी है उसी का नाम होना चाहिए, हमारा कहीं नहीं आए। अगर तुम सेवा करते हो सेंटरों पर, भाई बहुत सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, भाग भाग कर सेवा करते हैं, जब सेवा समाचार सुनाया जाता है तो उनका कोई नाम नहीं लेता है तो बड़े दुखी होते हैं। अरे पर तुमने जो सेवा की वो तो जमा हुआ ना, क्या नाम के लिए सेवा की थी कि बहन जी कहे कि ये भाई ने ये किया वो किया, इधर भाग दौड़ की उधर भाग दौड़ की।
हमारी सेवा निष्काम निस्वार्थ निमित्त भाव जिसमें हो, निर्माण चित्त जिसमें हो, निर्मल वाणी जिसमें हो, ऐसी करते जाओ सेवा की। और उस व्यक्ति की तरह होली शाड़ो, हमें पता ही नहीं हमने किसका कल्याण किया, किसका भला किया। भक्ति में श्री कृष्णार्पणम मस्तु करते हैं। यहां पर इस चैतन्य यज्ञ के तुम सेवाधारी हो, संडे की मुरली, इस चैतन्य यज्ञ के तुम सेवाधारी हो। बाबा कह रहे हैं अपने को साधारण नहीं समझना। तो अंतिम बंधन संस्कारों का, आदत संस्कार विचार वैचारिक पिंजरा, अपने ही संस्कार हमें दूसरों के संस्कार उतनी पीड़ा नहीं देते जितने अपने स्वयं के संस्कारों से हम जितने पीड़ित हैं। अपने ही संस्कार हमें पीड़ा दे रहे हैं, हमारे ही संस्कार हमारे दुखों का कारण है। हमारे दुखों का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, हमारे ही संस्कार हमारी आदतें। हमें नई आदतें निर्माण करनी है, उसमें तीन संस्कार समय हो रहा है। तीन संस्कार, एक तो संस्कार है आलस्य का, दूसरा डिले करने का एक संस्कार है, तीसरा एक संस्कार है सेंसिटिव नेचर। किसी ने कुछ कह दिया और बुरा, छुई मुई, टची नेचर, फीलिंग देवी बन जाते हैं ना। किसी ने कुछ कहा और दो दिन तक उदास, अभी जिसने कहा वो तो आराम से जाके सो गया और हम दुखी हो रहे। दूसरे दिन वो मिलता है और कहता है मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अरे पर हमारी तो नींद गई, हमारी रात गई, हम तो सोच रहे रात भर इन्होंने हमें ऐसा ऐसा किया। हम इतनी सेवा करते और ये कहते हैं ये केवल सोते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं और ये कहते हैं ये बात नहीं मानते, दूसरे दिन वो कहते हैं हमने तो ऐसे ही कहा था। सेंसिटिव नेचर ना हो, हमारा नेचर मजबूत होते जाए, शक्तिशाली होते जाए, छोटी मोटी बातें हमें प्रभावित ना करे। इतना स्वयं को सशक्त बनाना है, रोने की आदत, दुखी होने की आदत, उदास होने की आदत। किसी ने कुछ बोला दो दिन उदास, किसी ने कुछ बोला घायल, खून बह रहा है। जब तक किसी और को मिलके बताना दे दिल की बात तब तक शांत नहीं होता है, परंतु उसमें भी खतरा है। फिर किसी को बताएंगे बार बार उसके पास जाने की इच्छा, अधीनता निर्भरता दासता स्लेवरी बॉन्डेज सब कुछ चालू होता है। स्वयं को सशक्त बनाना है, इस संगम युग पे ब्राह्मणों का कर्तव्य है स्वयं को शक्तिशाली बनाना, स्पिरिचुअल पावर से स्वयं को भर देना। अभी बहुत अनुभवी हो चुके हैं सभी, नए नहीं है, बहुत अनुभवी हुए, सारे उतार चढ़ाव इस ब्राह्मण जीवन में इस यज्ञ के भी देख लिए, सबको देखा, बड़ों को छोटों को सबको देखा है। अब फिर वही भूल नहीं करने है, फिर वही गलतियां नहीं करना है। इस यज्ञ में, इस यज्ञ भूमि में आए हो तो अब प्रतिज्ञा करना है कि जिन जिन परिस्थितियों को जीवन ने, जो जो परिस्थितियों ने हमें पाठ पढ़ाया, उससे पाठ पढ़कर हमें आगे बढ़ना है। वही भूले फिर से नहीं करना है, वही ब्लंडर, वही गलतियां, वही गफलत अब नहीं करना है। एक बार कर दिया, धोखा खाया, दिखाया है लक्ष्मण की पहले हार हो जाती है, क्योंकि अहंकार होता है उसे, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं निद्रा जीत हूं, इसके लिए मेघनाथ के द्वारा हार होती है उसकी पहली बार, तो गिर जाता है नीचे, मूर्छित हो जाता है, अपनी हार से सीखता है, अहंकार हो जाता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं काम जीत हूं, मुझ में वह ब्रह्मचर्य का की शक्ति है, परंतु ये अहंकार ही उसे गिराता है। परंतु जब उसे अपनी गलती की महसूसता होती है, दूसरे युद्ध में वो जीत रहा है। हर व्यक्ति हो सकता है पहली बार हारे, चाहे काम से हारे, क्रोध से हारे, लोभ से हारे, अहंकार से हारे, परंतु सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। कब तक? अब तो ये टोटल कितने थे? 7। पहला अलौकिक संबंध, बीच में झील, हम इस ओर और तुम उस ओर, हेलो टाटा बाय बाय ओम शांति, ऐसे बोलना। दूसरा संबंध बंधन, साधन, साधन केवल सेवा अर्थ। ऐसे ही रात में अभी सो रहे हो, व्हाट्सएप करते 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 कब 11 बज गए और कब 12 बज गए पता ही नहीं चला, खो गए उसमें। कब टीवी देखते देखते, कब वीडियो देखते देखते देखते, कब सिनेमा देखते देखते, कब सीरियल देखते देखते, ये सब भटकना है इस जीवन में। इस भटकने से अब बाहर आओ। तीसरा
इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं, कौन कौन सी सूक्ष्म इच्छाएं हृदय में पल्लवित हो रही है, अंकुरित हो रही है, उनको वहीं कट कर दो इसके पहले कि वो वटवृक्ष बन जाए और फिर बाबा के सामने कहो कि बाबा इसको काटो। पांचवा, चौथा स्वाद। तो स्वाद में जो भी मिले प्रेम से स्वीकार करो, उसे अति प्रेम से, न मिले तो भी खुश, मिले तो खुश, न्यूट्रल। उसके बाद मैं, उसके बाद मेरा, उसके बाद संस्कार। तो ये सारे ही कितने हैं, सात बंधन है, सात सोने के पिंजड़े हैं। एक कविता से इस व्याख्यान को हम पूरा करते हैं, जिसमें कवि उस पंछी से बात कर रहा है जो कि एक पिंजड़े में है। सोने की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी, अंदर में संघर्ष छिपाए तेरा जीवन जलता होगा, हासों में छिप क्रंदन तेरा, हास्य अर्थात हंसी में छिपा क्रंदन, दुख दर्द पीड़ा पुकार तेरी, भोले जग को छलता होगा पर अनजाने में तो तेरी अखियां भी भर आती होगी। सोने की दीवारें पंछी कैसे तुझे सुहाती होगी, जागृति का संदेश लिए जब लेती होगी वायु हिलोरे, उषा की आभा से रक्तिम होती होगी नभ की कोरे, जग के आंगन में जब चिड़िया मधुर गाती प्रभाती होगी, पिंजड़े के सोने की दीवारें पंछी कैसे तुझे लुभाती होगी। तो इस पिंजड़े से हमें मुक्त करना है स्वयं को। ओम शांति। ओम शांति। जब क्लास का टॉपिक सोना, तब सोचा होगा कि सोने का पिंजरा क्या होगा, कैसा टॉपिक है। ऐसे फोन में भी ऐसे बात हुई, लेकिन फिर क्या है सोने की जंजीरें या पिंजरा, वो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। और खास जो कहा कि इस भट्टी से अभी जो भी पिंजरे की रॉड है वो दिखाई देती, महसूस तो हुई होगी हर एक को कि मेरा पिंजरा कितनी रॉड का बना हुआ है, अभी कौन सा काटना है, खत्म करना है। तो ये संकल्प जरूर करके जाएंगे। बहुत अच्छी महसूसता सभी को कराई, हम एक हाथ की ताली से धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम सभी ने आपको पहली बार सुना, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। भल आपने कहा प्रशंसा नहीं करनी है या नहीं सुननी है, लेकिन ये हो ही जाती है। तो आप तो निर्लिप है इसीलिए हर्जा नहीं है, लेकिन दिल से सब धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम शांति, गुड नाइट। एक मिनट बाबा की याद। Thank you.